पार्टियां हैं जी, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी, इनका आप सबका रिकॉर्ड देख लें सही कि ये आपस में हर जो इससे पहले इलेक्शन हुआ है जी उसमें ये मिलकर इलेक्शन लड़े हैं, सामने सामने एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं। और उसके बाद वो शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने कहा कि सरदारी अच्छा, वैसे आप शहबाज शरीफ की सियासत की भी समझ नहीं आ रही, वो भी आते हैं, वो ऐसे लग रहा है जैसे कोई को दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और बड़े भाई साहब जो है वो चाहते हैं कि तहस नहस फेंक दिया जाए और मौलाना फजलुर रहमान को शायद उनकी एक बात हासिल है। देखिए जी, वो उनको मैं नहीं समझता जी, उनको शहबाज शरीफ साहब जो है वो पास से भी एक दरमियाना रवि की पॉलिसी अपनाए रखे हुए हैं और वो दोनों तीनों तरफ जो है वो बिगड़ के खेलते हैं सही। और इस तरह वो चाचा बाबा भारियाँ भी ले चुके हैं, अभी भी उनका दिल नहीं भरा और मजीद वो अपनी प्रमोशन चाहते हैं। उसके लिए अभी तक आज तक वो बहन बहन हैं इस हवाले से, जबकि उनका सगा बड़ा भाई बिहाइंड द बार है, उसकी भतीजी उनकी बिहाइंड द बार है, बेटे उनके जो है वो बैरून मुल्क अपना बैठे हुए हैं, फरार है मुल्क से, भतीजे उनके मुल्क से फरार है, तो हर हर चीज जो है उनकी लेकर साब अक्रॉस द बोर्ड होगा जी। अब उसमें ये करप्शन में नहाए हुए हमारी जो इस वक्त अपोजिशन वाले लीडरान हैं जी, तो अब हम उनसे किस हवाले से किस तरह बात करें, मौलाना जैसे फजल रहमान है, शहबाज शरीफ है, तो अपना उस हवाले से मैं समझता हूँ कि इस वक्त भी पाकिस्तान में ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनके बिल्कुल हाथ साफ हैं और वो जो मुल्क की खैरखोई चाहते हैं, मुल्क की तरक्की चाहते हैं, और उनसे वो गाय बगाए जो है उनसे मुलाकातें भी होती हैं, उनसे मशवरे भी लिए जाते हैं, और इंशाअल्लाह ताला शहबाज शरीफ ने भी कई बार कहा है और बिलावल ने भी और जरदारी ने भी कि हम तावन करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप जो तावन वो तावन के साथ डिमांड का करते हैं ना, तावन के साथ वो डिमांड भी करते हैं कि जी आप जो करप्शन चोर बदारी ये डाकू ये कह रहे हैं ना भाई, आग अगर चोर नहीं है डाकू नहीं है, आपने करप्शन की तो आपको क्या फिक्र है, आपने भी जरूर आप पकड़े, जो चोर है उसको पकड़े, जो डाकू है उसको पकड़े, तो हम वो खुद अगर नहीं है तो उनको इस बात पे बुरा नहीं बनाना चाहिए, वो कोई पूरी कौम को तो नहीं कह रहे, वो तो जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, इस मुल्क के न्याय पर पहुंचाया, वो कह रहे आप ये देखें कि जब ये इलेक्शन हुए उसके बाद किस हालत में पाकिस्तान मिला मौजूदा पाकिस्तान तरीके इंसाफ को, उस खजाने की क्या क्या पोजिशन थी और ओवरहेड जो थे वो कितने ज़्यादा थे और फौरी पेबल थे जी। अब $13 बिलियन जो है वो फौरी तौर पर पे किया गया, जो कि जिनकी ऊपर किस्तें आई हुई थी, जो नहीं देते तो हम डिफॉल्ट कर जाते पाकिस्तान और पूरी पाकिस्तान में फिर सैंक्शन। अच्छा ये बताएं, ये सारी चीजों को लोगों को पता है, ये बताएं कि कोई हुकूमत सहूलतें देने के लिए तैयार भी है कि चलो तमाशा देख रही है? नहीं, बिल्कुल हुकूमत जो है इस वाले से बहुत संजीदा है, और बहरहाल आप भी बखूबी जानते होंगे कि इमरान खान वजीर अजम पाकिस्तान जो है वो रोजाना 18 घंटे 20 घंटे काम कर रहे हैं और इसी पर काम कर रहे हैं, बार बार जो रोजाना की 10, 12, 15, 16 मीटिंग जो ले रहे हैं उसमें टॉप प्रायोरिटी जो है नंबर वन मईशत है जी, कि मईशत को किसी तरह हर तरीके से इसको बहाल करना है,
और इसमें सबसे पहले जो हमारा लोअर तबका है, ग्रास रूट लेवल को उठाना है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो रुकावट आ रही है